तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने जो हम पावर सप्लाई हमारी RM850, तो इसमें हमें कनेक्शन कैसे करने हैं। तो इसमें पजल होने वाली कोई बात नहीं है, हमें इसमें कनेक्शन बहुत ही सिंपल तरीके से करने हैं। जैसे मैंने कर रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साटा केबल, तो यहाँ पे हमें साटा का कनेक्शन देना है। और इसके नीचे जो हमारी ये वाली है, इसमें हमारी जो सबसे बड़ी 24 पिन का कनेक्शन होता है, 24 पिन्स का, तो हमें वो देना है यहाँ पे सबसे नीचे वाले में, बड़े वाले में। और जो हमारा ये है, इसमें हमारा जाएगा CPU का कनेक्शन, 4 और 6 पिन वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, 6+2 PCI एंड 4+4 CPU कनेक्शन। तो हमारा यहाँ से जाएगा CPU का कनेक्शन, और उसके साथ हमारा ऊपर जाएगा PCI का कनेक्शन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है PCI। तो हमारा ये वाला ऊपर PCI का कनेक्शन, और इसके नीचे CPU का, और इससे नीचे 24 पिन का कनेक्शन जाएगा। उसके अलावा हमारा साटा का इस साइड से जाएगा कनेक्शन, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, आपको उस चीज़ का बता दिया जाएगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।